और देगा में एक ही दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत है डॉक्टर के बीच में, जिसके जब भी आप मांगने जाते हैं वोट, उस वोट कोई ना कोई तो वोट मांगने जाते ही है, उसी का टेलीफोन आते भी तू क्यों मांगा, क्यों घूम रहे हो, किसको फोन कौन कर देता है, बजरंग करता है, डॉक्टर करते, डॉक्टर साहब कर देते हैं, डॉक्टर साहब OSD के पद पे 3 बार रह चुके, दो तीन बार CM के ऊपर के OSD रह चुके, उनका लेवल इतना डाउन आ जाएगा भी हर आदमी को धमकी कहना भी रोकना, ये कोई लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। अगर आपने चुनाव जीतने का सेहरा बांधने भी आप लगातार हार रहे हो, वो आपने कलंक हटाना है, तो आप मेरे को कहते मैं मैदान से हट जाता, आप लड़ लेते, आप जीत जाते, वो कलंक हट जाता, चुनाव तो जीत ही जाते। वो परिवार वालों कहते भी आपने कांग्रेस को वोट नहीं डाला, ये कोई अच्छी बात है, ये तो लड़ाई का बिल्कुल नीचे वाला लेवल आ गया, ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। हर आदमी को कहना जो चलेगा था जिसको शाम को फोन आता, कई तो कहते भी तेरी CID हो रही है, CID को मैं अफीम बेच रहा हूँ, कर लो भाई, कर लो CID। पिछले बार डॉक्टर साहब ने जब MLA का इलेक्शन था, खुद मेरे घर आए 500 आदमी के लेके, पूरी पूरी गली कारों की भर गई, फिर उसके बाद पुलिस भेजी, अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट भेजे, मतलब आप ये मान के चलो मेरे और मेरे परिवार को इन्होंने आराम से नहीं बैठने दिया एक पल के लिए। बस आपको क्या बताऊँ, माले ही घर में दूसरे भाई के घर में तो वो मिठाइयाँ बनवा रहे हैं और मेरे घर में पुलिस भेज रहे हैं, या क्या लोकतंत्र है क्या ये? तो क्या क्या लगता है कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? कांग्रेस के ही कुछ पार्षद आपके साथ ही रहे, उन्होंने आरोप लगाए थे, बाद में वापसी कर गए, किसी ने 1 करोड़ का आरोप लगाया, कोई कह रहा है कि कमीशन होता था, 3% होता था और ऑफिस का खर्चा होता था। बागी साहब आप तो बड़ा बेबाक बोलते हैं, आपको कुछ बातों का पता है? बिल्कुल पता है जी, जो इनके ठेकेदारी का काम चलता था उसमें इसमें सारे ठेकेदार पार्षदों का हिस्सा होता था और बिना पार्षदों का हिस्सा नहीं है, और जो अब भी काम चल रहे हैं उसमें भी हिस्सा है MT के लोग। मतलब अगर डॉक्टर मैं बोलने लग गया बट अगर जो डॉक्टर तो करते हैं छिपे, मेरे पास छिपे वाला काम नहीं है, मेरे को ज़्यादा डॉक्टर मेरे पे अटैक करवाएगा करवा दे। आपको लगता है कि डॉक्टर के निशाने पर आप हैं कांग्रेस? मैं बिल्कुल डॉक्टर के निशाने पे, मैं लगता है अटैक हो सकता है आपके ऊपर? बिल्कुल है, जो हालात बना रहे हैं वो शारीरिक तौर पर फिजिकल भी कोई और भी, जैसे पहले अपने इलेक्शन में इन्होंने मेरे को हरास किया है, सारी पुलिस डिपार्टमेंट लगा दिया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थानेदार आके गया, अगर आप कहोगे तो मेरे मोबाइल में अभी तक वीडियो है उनके। आपको लगता है कि आपको डॉक्टर KV सिंह से जान का खतरा है टाइम, ऐसा आपके वोटों के दौरान है या ऐसा कुछ नहीं है? वोट जान से ये क्या मारेंगे भाऊ जी, भगवान ना मारे, ये क्या चीज है? नहीं सिर्फ टीस तो राजनीति, आपको हराने की टीस आपको लगता है? है जी, आपको हराने की टीस नहीं? हाँ हराने की, मेरे को हराश करने की। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में चुनावी बिसात बिछी है और अब लगातार धुआंधार तरीके से तमाम जो पार्टियों के दिग्गज पार्षद हैं वो अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं, मगर इत्तेफाक से मेरे साथ एक ऐसी दंपत्ति, एक ऐसी पति पत्नी की जोड़ी है जो इस बार डबवाली में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बनी है। इत्तेफाक ये भी है कि दोनों का चुनाव चिन्ह भी एक ही है, यानी कि कार दोनों के लिए चुनाव चिन्ह बनी है और दोनों 12 नंबर और 13 नंबर वार्ड में अपनी अपनी किस्मत अजमाएंगे। एक तरफ मेरे साथ मधु जी हैं जो वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ेंगे और दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा चेहरा जो हमेशा चर्चा में रहते हैं रमेश बागड़ी जी हैं जो इस बार अपना 12 नंबर छोड़कर 13 नंबर वार्ड में अपना जो किस्मत अजमा रहे हैं। सबसे पहले बागड़ी साहब आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आपका भी धन्यवाद, आप बता रहे। सर ये इत्तेफाक देखिए कि पति पत्नी भी साथ साथ चल रहे हैं और ऊपर वाले ने चुनाव चिन्ह भी एक जैसे दे दिया। जब ऊपर वाला इतनी कृपा कर रहा है वो जिता भी देगा, शहर की सेवा करनी है वो शहर की सेवा करते सब ऊपर वाला ठीक ही करता जाएगा। हाँ, तो आप दोनों को कन्फ्यूजन नहीं है कि चाहे किसी के वार्ड में एक दूसरे आप चले जाएं तो बात काम एक ही करना है कि कार पे बटन दबा दो? काम भी कार तैयार है, पेट्रोल डलवाया, अभी आपने बटन दबा और कार विकास की कार चलेगी। अच्छा विकास की कार चलेगी जी।
रमेश बागड़ी जी से बात करते हैं। ये बहुत चर्चित चेहरा है जो बोलने में हमेशा बेखौफ तरीके से और अपने ही अंदाज में बोलते हैं, और उनसे बात करते हैं क्योंकि इस बार वो अपना 13 नंबर के चुनावी मैदान में है वार्ड में। बागड़ी साहब, अब तो कार भी आपकी फाइनल हो गई है, दोनों पति पत्नी को कार मिली है, आप कह रहे हैं पेट्रोल भरवा दिया और विकास की कार दौड़ेगी। क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपको इस नए वार्ड में, आपको अब किस्मत अजमानी है, क्या सबसे बड़ा मुद्दा? मैंने वार्ड में घूमा, पहले कभी उम्मीदवार की नज़र से नहीं घूमा, घूमता रहता वार्ड, ये मेरे साथ ही है। कुछ गलियों की ऐसी गंदी हालात है, बीच में टूटी पड़ी हैं। अभी अभी एक मेरे वार्ड की जो सांझी गली है नई बनी है, उस गली का बुरा हाल है, नई बनी है बिल्कुल, लेट है, 3-4 महीने हो गए, तो वो गली अभी टूटी पड़ी है। 13 और 14 वार्ड की सांझी गली है वो, एक तरफ 13 एक 14, बिल्कुल नई गली बनी और वो भी टूट गई। आगे श्रीराम मार्केट वाली गली, आप स्कूटर लेके नहीं चल सकते वहाँ पे, ऐसी गंदी हालात है। वो कोई कहता है भी यहाँ पे मुकदमेबाजी चल रही है, तो नहीं हो रही, अरे मुकदमा करने वाले भी तो आदमी हो गए, उनको मनाओ, बैठा के समझौता करा के नए सिरे से गली बनवा के तैयार करो ताकि जनता ना परेशान हो। और कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं बाद में भी, इनका किसी ने हल निकालने की कोशिश ही नहीं की। और मैंने पहले बालाबाड़ में एमसी था, इतने इतने 5-5 फुट गहरे खड्डे थे जी, खड्डे। हमने चुनाव सभा की थी एमएलए के चुनाव के वक्त, दूर बड़ी हमने ऐसे चलती थी भी कहीं रेगिस्तान में हम खड़े होंगे, ऐसा लगता नहीं ये मंडी डवाली का हिस्सा है। और जब मैं खड़ा हुआ एमसी के तौर पे, तो लोगों ने कहा भी यहाँ पे कोई ऐसा काम कर दो भी रिक्शा आ जाए, हमारे घर में कोई पेशेंट होता है ना, रिक्शा नहीं चलती। मैंने कहा मिट्टी को डलवाते हो, पक्की गली की डिमांड करो बोले। उन्होंने कहा भाई साहब पक्की गली हमारी कौन बनाएगा, हम मिट्टी डलवा दो। बहू जी आप जाके देखो, आज मेरे बाड में 1 इंच जगह ऐसी नहीं है जो कच्ची हो, बाला बाड की बात कर रहा हूँ मैं, 1 इंच कच्ची हो या सड़क बनी हो। अब एक बार की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं सिटी हाई स्कूल वाली, चाहे मैं बालाबाड़ का पार्षद नहीं, लड़ाई बालाबाड़ की लड़ रहा हूँ, वहाँ पे 10 फुट गहरी पाइप है, टेंडर हो चुका है, टेंडर जिस दिन पाइप आ गई उसी दिन डलवा दूंगा। मेरे को सारे बार दोनों वार्डों में 12 और 13 में एक ही दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत है डॉक्टर के बीच, जिसके जब भी आप मांगने जाते हैं वोट, उस वोट कोई ना कोई तो वोट मांगने जाते ही है, उसी का टेलीफोन आते भी तू क्यों मांगा, क्यों घूम रहे हो, किसको फोन कौन कर देता है, बजरंग करता है, डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर साहब कर देते हैं, डॉक्टर साहब ओएसडी के पद पे 3 बार रह चुके, 2-3 बार सीएम के ऊपर के ओएसडी रह चुके, उनका लेवल इतना डाउन आ जाएगा भी हर आदमी को धमकी कहना भी रोकना, ये कोई लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। अगर आपने चुनाव जीतने का सेहरा बांधने भी आप लगातार हार रहे हो, वो आपने कलंक हटाना है, तो आप मेरे को कहते मैं मैदान से ही हट जाता, आप लड़ लेते, आप जीत जाते, वो कलंक हट जाता, चुनाव तो जीत ही जाते। वो क्या लगता है बागड़ी साहब से कांग्रेस डर रही है? नहीं, मेरे से कांग्रेस नहीं डर रही, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी, में किसी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं करता, और डॉक्टर भी डरने वाला नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा, अच्छा नहीं कर रहा ना, हर आदमी को रोकना, लोकतंत्र में कोई किसी की सपोर्ट करेगा, कोई किसी की सपोर्ट करेगा, लड़ाई मतलब सीधे तौर पर रमेश बागड़ी को हराने की है। हाँ, और कोई लड़ाई नहीं है, वो कहते भी रमेश बागड़ी हारना चाहिए, शायद वो भूल रहे हैं कि हर आदमी के हर वार्ड में 20-25 वोट है, कम से कम 20-25 वोट है, जैसे 1-2-3 में तो मेरा जन्म हुआ है, अगर मैं जाके अपने परिवार वालों को कहते भी आपने कांग्रेस को वोट नहीं डाला, ये कोई अच्छी बात है? ये तो लड़ाई का बिल्कुल नीचे वाला लेवल आ गया, ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। हर आदमी को कहना जो चलेगा साथ, इसको शाम को फोन आता,
कई तो कहते हैं बीजेपी सीआईडी हो रही है, सीआईडी को मैं अफीम बेच रहा हूँ। कर लो भाई, कर लो सीआईडी। पिछले बार डॉक्टर साहब ने जब एमएलए का इलेक्शन था, खुद मेरे घर आए 500 आदमी के लेकर, पूरी पूरी गली कारों की भर गई। फिर उसके बाद पुलिस भेजी, अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट भेजे, मतलब आप ये मान के चलो मेरे और मेरे परिवार को इन्होंने आराम से नहीं बैठने दिया एक पल के लिए। बस आपको क्या बताऊँ, माले ही घर में, दूसरे भाई के घर में तो वो मिठाइयाँ बनवा रहे हैं और मेरे घर में पुलिस भेज रहे हैं, या क्या लोकतंत्र है क्या ये? तो क्या क्या लगता है कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? कांग्रेस के ही कुछ पार्षद आपके साथी रहे, उन्होंने आरोप लगाए थे, बाद में वापसी कर गए। किसी ने 1 करोड़ का आरोप लगाया, कोई कह रहा है कि कमीशन होता था, 3% होता था और ऑफिस का खर्चा होता था। बागी साहब आप तो बड़ा बेबाक बोलते हैं, आपको कुछ बातों का पता है? बिल्कुल पता है जी, जो इनके ठेकेदारी का काम चलता था उसमें इसमें सारे ठेकेदार पार्षदों का हिस्सा होता था और बिना पार्षदों का हिस्सा नहीं है, और जो अब भी काम चल रहे हैं उसमें भी हिस्सा है। आप कभी 14 नंबर वार्ड के कम्युनिटी हॉल में जाओ, जब का हाल वो बना कम्युनिटी हॉल, मेरे ख्याल उसको बने को 5 साल के करीब, एक बार वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं, उसकी तो दीवार तक मतलब। हाँ, और उसके बाद अगली बात सुन लो सर, पन्नू साहब बात ये है भी उस ये लोगों का तो अतिक्रम हटा रहे हैं, जो बनाने वाले थे जिस टाइम बनाया गया, क्या हमारे डिपार्टमेंट ने नहीं सोचा कि 5 फुट ऊंचा बनाना, यहाँ पे फंक्शन होंगे? आज तक एक फंक्शन नहीं हुआ। एक माले ही साथी ने रंग रोगन कराने का पता नहीं कितना बिल अभी दोबारा लिया भाऊ जी। ऐसा कौन सा साथी आ गया? भाजी आप मौके का एमसी है, मैं अब एक्स एमसी हो गया, आउट गोइंग एमसी कह लो, मतलब अगर डॉक्टर मैं बोलने लग गया, अगर जो डॉक्टर तो करते हैं चिपे वाला, मेरे पास चिपे वाला काम नहीं है, मेरे को ज़्यादा 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 डॉक्टर मेरे पे अटैक करवाएगा करवा दे। आपको लगता है कि डॉक्टर के निशाने पर आप हैं कांग्रेस? मैं बिल्कुल डॉक्टर के निशाने पे मैं, लगता है अटैक हो सकता है आपके ऊपर? बिल्कुल है, जो हालात बना रहे हैं वो शारीरिक तौर पर फिजिकल, तो फिजिकल भी कोई और भी, जैसे पहले अपने इलेक्शन में इन्होंने मेरे को हरास किया है, सारी पुलिस डिपार्टमेंट लगा दिया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थानेदार आके गया, अगर आप कहोगे तो मेरे मोबाइल में अभी तक वीडियो है। आपको लगता है कि आपको डॉक्टर केवी सिंह से जान का खतरा है टाइम, ऐसा आपके वोटों के दौरान है या ऐसा कुछ नहीं है? वोट जान से ये क्या मारेंगे भाऊ जी, भगवान ना मारे, ये क्या चीज है? नहीं, सिर्फ टीस तो राजनीति आपको हराने की टीस आपको लगता है? हैं जी, आपको हराने की टीस निकाल? हाँ, हराने की, मेरे को हरास करने की। तो आप पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, बाद में आप किसी की तरफ भी नहीं गए, लेकिन जो सुमन जोया भी आपके साथ साथी थे उस टाइम आपकी हाउस में, और उसके बाद बॉबी थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हिस्सेपंती होती थी, ऑफिस का खर्चा तक देना पड़ता था और कमीशन है वो वहाँ पर डॉक्टर केवी सिंह के कार्यालय से बांटा जाता था। देखो जी, मेरे सामने बांटा नहीं गया, ना मैं कोई कमीशन लिया, ना लेना, ना मेरी किसी काम में हिस्सेदारी, वरना आज मैं भी कार्य चला रहा होता। अपने पास एक स्कूटरी है, वो स्कूटरी पे ही चलता हूँ, मतलब सीधी सी बात है भाऊ जी। वहाँ पे सुना जाता था भी लड़ाई कमीशन की होती थी। जो आरोप लगाए गए थे, सूर्या ने भी वापसी कर ली है, वो भी कह रहे थे कि मेरे से टिकट का 1 करोड़ मांगा गया, बॉबी वापस आ गया है, सुमन जोया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, कितने परसेंट सच्चाई मानते हैं सर सारे आरोपों में? आरोप की सच्चाई ये है, हमारे डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा, वो अच्छा नहीं कह सकते, चापलूसी वाला अंदाज है। जब डॉक्टर साहब को अंदाजा जरूरत होती है, बड़े प्यार से वो सिर पे हाथ फेरते हैं और बेटा तू परवाह क्यों मानते है, चेयरमैन ही क्या चीज़ है, मेमरी क्या चीज़ है, तेरे को मैं चेयरमैन बनवा दूंगा फलाने डिपार्टमेंट का, मेरी वहाँ चलती है वहाँ चलती है, मैं नहीं हम, इसका मतलब क्या हो गया, 4 हाथ हो गए भाऊ जी, पहले 3% कमीशन था, अब 6% हो जाएगा, इसका मतलब ये है। हाँ, अभी बाकी सब क्या लगता है आपकी स्थिति, आप कैसे देखते हैं, आप लोगों के पास आपके नए वार्ड में जा रहे हैं 13 में, वहाँ पर ऑलरेडी कांग्रेस का समर्थित जो पार्षद इस बार चुनाव लड़ रहा है, क्या रिस्पॉन्स, लोग आपको क्या कुछ कह रहे हैं?
लोग ये कह रहे हैं अभी बागड़ी साहब आप आराम से टिक के बैठो, अच्छा आपको वोट पाएंगे। किसी ने कहा, मेरे साथी ने नहीं कहा भी जो मेरे विरुद्ध कंटेस्ट कर रहे हैं, कि यहाँ पे तो आपके जात का कोई वोट ही नहीं है। मैंने कहा भी जात पात की कोई बात नहीं है, अगर जाति जाति ये तो बना दी भगवान ने, अगर ये पंछियों की जात होती तो वो क्या देख के बैठते भी अगर बार धर्म चल रहा है, ये पंजाबी धर्म चल रहा है, ये देखकर वो वोटर वोटर इतना सूझवान हो गया, वो चेहरा देखेगा भी हमारा काम कौन करवा सकता है। जात सबकी एक है, भगवान ने तो जात बना के भेजी नहीं, कोई मार का छप्पा लगा के नहीं भेजा। लेकिन वो एक गाना है ना सर, आपने सुना होगा, यार नू दबन नू फिर देसी पर दबदा किथे है, लगता है बागड़ी दबेगा दबाने की कोशिश है। नहीं नहीं देखो मैं दब नहीं सकता, मेरे में कमी है। अब मैं बोलता हूँ, मैं तो कई डॉक्टर साहब के साथ लगभग 30 साल का मेरा नाता रहा, 87 में लगा अभी 2-3 साल से, वो भी इन्होंने गलत बात कह दी थी। मेरे पास आए थे लोग बिजू डॉक्टर साहब के साथ राजा, मैं डॉक्टर साहब को पूछ लो ये बात नहीं कही तो मैं गांधी बुद्ध पे खड़ा होकर माफ़ी मांग लेता हूँ, नहीं डॉक्टर कह रहे यार मैं छोड़ता रहते चल। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मतलब आपको कभी निमंत्रण दिया ही नहीं गया कोई किसी बात के लिए? नहीं, मैं निमंत्रण पर जाता भी नहीं। जो मेरे बारे गलत कह ले कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे बच्चों के बारे में गलत बोलेगा वो नहीं था मतलब वो जी। हाँ मैं बच्चे एक बात तो हो जी पन्नू साहब, आप और मेरी किसी बात पे भी खटपट हो जाती है या मान लो बोल चाल हो जाती है तो क्या हम बच्चों को बीच में, बच्चों ने क्या बिगाड़ा माता जी? कोई रोल नहीं, लड़ो आप तो मेरे से बहुत छोटे, अगर आपको भी बोलता मैं अच्छा नहीं लगता, मैं अपने बराबर वालों को बोलूँ डॉक्टर का मैं बराबर का हूँ, मेरे से 5-7 साल बड़े हैं वो, कितने बड़े पदों पर रह लिए वो, बड़े पदों उप प्रधानमंत्री का पद कोई छोटा नहीं होता, वो उस पद पर रहकर ये MC के लेवल पे ये ऐसी बातें कर रहे। मैं क्या चीज़ों मेरे को कहते हैं रमेश तू घर बैठ जा, मैं घर बैठ जाता हूँ। ये ना क्या चीज़ दिखाती है, सोच सोच दिखाती है और कोई बात नहीं। एक आदमी जो महलों में राज करता है या डबअली में, उसके आगे मतलब नौकर चाकर ऐसे खड़े रहते थे, क्या कारण हुई, क्या क्या बात हुई भी जाके लगातार 3 महीने कमरे के रेस्ट हाउस में बैठे, क्या का नाम है कोई? कौन बैठा है रेस्ट हाउस में? डॉक्टर केवी सिंह 3 महीनों के रहा है वहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, कोई कानून है भी 3 महीने रेस्ट हाउस में रहे? क्या कानून है? कानून तो नहीं है। चलो वहाँ से प्लानिंग क्या होती है? वहाँ से प्लानिंग तो आपको एक बात बताओ, प्लानिंग होगी 19 तारीख तक, 19 तारीख को इनका जहाज उड़ेगा, ये सीधे चंडीगढ़ लैंड करेंगे, फिर उसके बाद 24 में आएंगे जब MLA का इलेक्शन होगा, क्योंकि इनका मकान जो बन रहा है मेरे को पता लगा वो मकान बन रहा है उसमें भी हमारे कमेटी वाले कह रहे थे भी गड़बड़े हैं, वो मैं उजागर कर दूंगा 2-4 दिन में भी कभी मिले है गड़बड़े, ये मेरे को पता लगा। मकान में भी गड़बड़? बिल्कुल गड़बड़ है, आपको दिखा दूँ क्या लगाया? अभी अभी मैं अब कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन बताऊंगा जरूर, मैं उजागर जरूर करूंगा, हमें बताना, हम बताएं। हाँ बिल्कुल उसमें कमी है। मेरे को एक बात बताओ, मेरा और डॉक्टर केवी सिंह का कहीं मुकाबला है राजनीतिक तौर पे या कोई पदों पे, ना फाइनेंशियल तौर पे ना राजनीतिक तौर पे, क्या मुकाबला उसका? लेकिन इतने छोटे लेवल पे उसको गिरना नहीं चाहिए, वो इतना बड़ा बंदा है, उसको अपने पद की जो रहे हैं उम्र की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। क्या बात है अगर मैं MC जीतूंगा, क्या मैं मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा क्या? MC की क्या वैल्यू, MC रहेगा, अब तो आगे प्रधान का पद का भी नहीं है, डायरेक्ट होते थे वो भी नहीं लड़ सकता, तो क्या हमने मेरे मन में है अभी लोगों का विकास करवाना, लोगों के हकों की लड़ाई लड़नी, वो मैं लड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं चाहे कोई आ जाए रात। ठीक है बाबू साहब, कितने आश्वस्त हैं जीत के प्रति? क्या 200% 200% दोनों जीतेंगे, 100 उनका 100 मेरा, अच्छा 200% हो गए दोनों जीतेंगे। मतलब देखो ऊपर वाला बुराई ना करे, इसकी अगर ये करते हैं तो करने दो, लेट हिम गो। ठीक है।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला जी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बहुत ही हरफ मौला, जिनका अपने आप में जाने जाते हैं, चर्चित चेहरा है, जब बोलते हैं तो वो बेबाक बोलते हैं। ये रमेश बागड़ी जी हैं, जिनका अपना अंदाज है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि 200% पति पत्नी की ये जोड़ी हाउस में पहुँचेगी और उसके बाद पूरी एनर्जी के साथ, दबंगता के साथ विकास करवाया जाएगा, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि सीधे तौर पर इस बार कांग्रेस तमाम पार्षद और तमाम डवाली के ऐसे पूर्व में रहे जो चेयरमैनों के निशाने पर है, और सबसे बड़ा विषय यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर के वी सिंह आरोपों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन वापसी भी तमाम नेताओं की हो रही है। मगर अब रमेश बागड़ी की ओर से भी उनके ऊपर बड़े आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों में सच्चाई कितनी है ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, आखिर इसके ऊपर वो क्या काउंटर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, डबवाली चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।